देख लीजिए। तो गाइस भाजी के लिए भी लिया है मैंने 2 टमाटर, 3-4 सूखी मिर्च और एक छोटा सा प्याज और 5-6 कली लहसुन। भाजी में सिर्फ हम इतनी ही चीजें डालेंगे, इसके अलावा ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे मैंने लहसुन, टमाटर, प्याज और मिर्ची को काट लिया है। यहाँ पे हमने कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ा दिया है और अब हम डाल रहे हैं इसमें तेल। भाजी में तेल ज्यादा यूज नहीं होता है तो आपको कम ही डालना है। तेल गर्म होने के बाद डालेंगे हम लहसुन और ये जो हमने मिर्ची काटी हुई है वो। अब इसे बहुत ही अच्छे से तड़कने देंगे। अब हम डालेंगे इसमें प्याज, प्याज को भी हमें हल्के से सेकना है। डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची, डालेंगे नमक। भाजी में नमक बहुत ही कम डालना चाहिए। प्याज थोड़ा ब्राउन हो गया है तो अब इस पे डालेंगे हम भाजी। आपको ऐसे ऐसे इसे सेक लगाते जाना है, भाजी बहुत नरम होती जाएगी। आप देख सकते हैं भाजी कितनी कम होती जा रही है, ये अभी पकने के बाद और कम हो जाएगी। आपको इसे धीरे धीरे करके मिलाते हुए जाना है और जब तक ये भाजी पूरी तरीके से पक नहीं जाती आप इसे ढक के सेकने लगने दें। देना है, उसके बाद आपको इसको ढक देना है और थोड़ी देर अच्छे से सेक लगने देना है। आपको बीच बीच में इसे खोल के देखते रहना है कि ये कितना पका है कितना नहीं पका है। अभी ये पूरा ग्रीन है, मींस ये बिल्कुल भी अभी नहीं पका हुआ है, तो इसे अच्छे से थोड़े से मीडियम फ्लेम पे हमें इसे होने देंगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि भाजी का कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मीन्स भाजी आधी पक चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर जो हमने कट करके रखा हुआ था। और अच्छे से मिला देंगे। टमाटर के पकने तक हमारी भाजी भी उसके साथ साथ और पक जाएगी। तो गाइस टमाटर भी गल चुका है और हमारी भाजी भी रेडी हो गई। आप देख सकते हो कितनी सारी भाजी थी और कितनी थोड़ी सी हो गई।